A very good afternoon to all of you. Today we will see natural different types of evaporator that is used in the evaporation process. So there are various types of equipment which are used in the process of evaporation, which are called as evaporators. So evaporators are divided into three groups. The first one is natural circulation evaporator. Second one is force circulation evaporators, and third one is film circulation evaporator. So in that first, that is natural circulation evaporators, in that the evaporators in which the movement of a liquid take place as a result of a convection current set up by the heating process are called as natural circulation evaporator. An example is evaporating pans, evaporating still and short tube evaporators. यानी कि जो इवोपरेटर्स होते हैं नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर, तो यहाँ पर जो इवोपरेशन होता है ये किस वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट। एंड व्हाट डू मीन बाय कन्वेक्शन करंट, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा, जितना ज़्यादा, यहाँ पर उन्होंने नेचुरल क्यों बोला इसको, सबसे पहले तो नेचुरल कि क्योंकि हम इसमें किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करते, हम जो उस लिक्विड के नेचुरल जो उसकी शेप होता है या उसकी जो साइज़ होती है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसी की बेसिस पर बस उसको हम इवोपरेट करते हैं। एग्जांपल क्या दिया उन्होंने, पैन या इवोपरेटिंग स्टील के अंदर। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे, आप उन्होंने डायग्राम की बेसिस से जो इवोपरेटिंग पैन है तो उसकी एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फेरिकल पैन मेड अप ऑफ कॉपर और स्टेनलेस स्टील। तो ये जो हेमिस्फेरिकल पैन है ये किस चीज़ से बना होता है, कॉपर और स्टेनलेस स्टील से। सो विच इज सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट। तो ये किससे सराउंड होता है, ये स्टीम जैकेट से। यानी कि ये देखो, ये है क्या है, ये स्टीम जैकेट है। उसके बाद में द हेमिस्फेरिकल शेप प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन। इसका हेमिस्फेरिकल शेप क्यों होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लार्ज सरफेस एरिया हमको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इवेपोरेट जो है वो जल्दी होगा। जैसे कि हमने फैक्टर्स में देखे थे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन उसमें ज़्यादा होगा, और जितना कम सरफेस एरिया रहेगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो द इवेपोरेटिंग पैन में भी फिक्स्ड और मेड टू टिल्ट। यानी कि आप उसको फिक्स भी कर सकते हो एक जगह पर या फिर मूवमेंट में भी कर सकते हो। इन द केस ऑफ इवेपोरेशन पैन इज फिक्स्ड, द एम्प्टिंग ऑफ द पैन इज डन फ्रॉम अ प्रोडक्ट आउटलेट। इन अदर केस द इवेपोरेटर माउंटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी टिल्ट टू रिमूव द प्रोडक्ट। यानी कि उसको हम इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे कि ये पैन है तो इसमें अब आपका प्रोडक्ट है तो आप उसको टिल्ट करना है आपको, यानी कि उसको जिसमें जो लिक्विड हो निकालने के लिए आपको उसको क्या करना है, मूव करना है। तो इस तरह से, या फिर अगर आपने इसको फिक्स किया है तो फिर आपको किसी मैकेनिकल जो लिक्विड है आपका वो किसी और चीज़ की मदद से आपको उसको निकालना है। दो तरीके हैं, तो उसके एडवांटेजेस वेरियस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपको घर से देखने या आपका एज अ होमवर्क आपका कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जितने भी हम आगे इवेपोरेटर्स की टाइप देखेंगे, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंस है इसमें, उसकी ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की बेसिस पे आपको आपका माइंड पॉलिश करना है कि हमको एज़ पर रिक्वायरमेंट फिर कौन सा इवेपोरेटर हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट को इवेपोरेट करना है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और अगर ऐसा प्रोडक्ट जो थर्मोस्टेबल नहीं है तो उसके लिए हमको कौन सा इवेपोरेटर यूज़ करना है। उसके अलग अलग, इन्होंने जो अलग अलग इवेपोरेटर दिया है तो ये अलग अलग क्यों है, उनके उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज इवेपोरेटिंग स्टिल। सो दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज कॉमनली नोन एज स्टिल बिकॉज ऑफ इवेपोरेटिंग पैन इज कन्वर्टेड एंड इट इज कनेक्टेड इनटू अ कंडेंसर सो दैट द इवेपोरेटर आर कंडेंस इनटू अ लिक्विड एज शोन इन फिगर नंबर 10.4। सो इफ यू सी द फिगर नंबर 10.4, तो ये क्या है, ये इवेपोरेटर जो पैन देखे थे हमने उसी का एक दूसरा टाइप है, इवेपोरेटर स्टिल, इवेपोरेटिंग स्टिल। तो इसमें क्या है, सेम मेथड है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बस जो पहला पिछला था हमने सिर्फ वो देखे थे कि इवेपोरेटिंग पैन था, तो यहाँ पे पैन एज इट इज़ है, लेकिन उन्होंने इस पैन को क्या किया है, जो यहाँ पे लिक्विड रहेगा हीट होने के बाद जो यहाँ से वेपर बनेंगे, वो वेपर बनने के बाद कहाँ जाएंगे, कंडेंसर के अंदर, और वहाँ पे क्या होंगे फिर, वो
कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से क्या होंगे, फिर वहाँ पे कंडेंस होंगे। तो बस इतना पार्ट उन्होंने इसमें ऐड किया है और ये है इवोपरेटिंग स्टिल। तो अब क्या लगता है आपको, कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, इवोपरेटिंग पैन या इवोपरेटिंग स्टिल? तो इस बेसिस पे आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बेसिस पे आपको भी डिसाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज शॉप ट्यूब इवोपरेटर। सो शॉप ट्यूब इवोपरेटर, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्यूब विच आर फ्रॉम 1 to 2 meters इन लेंथ एंड फ्रॉम 40 to 80 in diameter। अबाउट 1000 ट्यूब्स आर फिटेड इन अ वेसल अप टू 2.5 meters और मोर इन डायमीटर। दिस पार्ट ऑफ इवोपरेटर इज कॉल्ड सिलेंड्रिया। द ट्यूब्स आर फिल्ड विद लिक्विड एंड सराउंडेड बाय स्टीम। तो ये जो लिक्विड की जो ट्यूब है वो लिक्विड इसमें फिल होता है और सराउंडेड बाय किस चीज़ से सराउंड होता है, वो स्टीम यानी कि गर्म भाप से इसको सराउंड करते हैं। द लेवल ऑफ लिक्विड इज मेंटेन स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द ट्यूब। तो ये जो लिक्विड है इसमें जब लिक्विड फिल करने वाले हैं तो ये अबव, स्लाइटली अबव होता है किस चीज़ के, ट्यूब के अबव होता है। क्यों? सो दैट द स्पेस विच इज लेफ्ट इन द इवोपरेटर कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ इवोपरेटर। तो क्यों, इसमें हमको अगर ज़्यादा फिल नहीं करना है, इसमें हमको सिर्फ उसकी जो लेवल है, उसके जो ये जो इवोपरेटिंग के जो स्टीम है ये, तो इसके बस हमको ट्यूब्स के स्लाइडली ऊपर उसकी लेवल रखनी है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया वेपर्स के लिए रहेगा उतने ज़्यादा वेपर्स हमको वहाँ पर कलेक्ट होंगे। तो यहाँ से ये ट्यूब होती है जिसमें हमारा लिक्विड प्लेस करते हैं, जो कि जो हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई स्टीम के अंदर क्या होता है, वो बॉयल होता है, फिर वहाँ से निकल कर यहाँ से क्या बनते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स बनने के बाद वो फिर इस पाइप के ज़रिए कंडेंसर में जाते हैं जहाँ पर वो कंडेंस होते हैं। ये सिंपल था शॉर्ट ट्यूब इवोपरेटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। सो इन दैट, इन दिस टाइप ऑफ इवोपरेटर सम मैकेनिकल डिवाइसेस इज फिटेड टू सर्कुलेट द कंटेंट हीटिंग इन इट। यानी कि अब तक की जो देखा था हमने वो सिर्फ नेचुरल था, लेकिन अब जो देख रहे हैं हम, इसमें फोर्स अप्लाई करने वाले हैं हम। यानी कि क्या, मैकेनिकल डिवाइस अलग से लगेगा हमको उसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए। सो एन इवोपरेटिंग पैन इन विच द मटेरियल इज एजिटेटेड बाय अ स्टीयरिंग रॉड और बाय अ मैकेनिकल प्रोपेलर। यानी कि कैसे काम करेगा कि अगर जैसे कि आप घर में कुछ बनाते हो तो आपको स्टीयरिंग करने के लिए आप स्टीयरिंग करते हैं ना उसको, हीट जब आप कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हो तो उसको स्टर करते हो वहाँ पर। तो ये कौन सी प्रोसेस में करते हो आप, पैन वाली। लेकिन अभी ऑटोमेटिक, अब हम यहाँ से फोर्स सर्कुलेशन यानी कि क्या, कि यहाँ पे हम मशीनरी के थ्रू फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। ये जो फोर्स आप इस चीज़ में अप्लाई कर रहे थे स्टीयरिंग के लिए, तो ये जो फोर्स अगर आपको मशीनरी के थ्रू अप्लाई करना है फोर्स के अंदर, फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या फिट करेंगे हम? तो यहाँ पर एज शोन इन फिगर नंबर 10.6, यानी कि इस तरह की फिगर में, तो देखो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर सिमिलर है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि वो भाप जो बनेगी वो यहाँ पर स्टीम में हमारा लिक्विड ऑलरेडी फिल रहेगा, फिर ये ट्यूब्स के अंदर, और उसके आजू बाजू क्या, सराउंडेड बाय किस चीज़ से रहेगा, ये सराउंडेड किस चीज़ से रहेगा, स्टीम से। और फिर ये जो है ये पंप करके, ये पंप क्या करेगा, उसको इस पैन में लेकर आएगा इस चेंबर के अंदर। और इस चेंबर में क्या, देखो यहाँ पर लिक्विड लेवल थी यहाँ पर, लेकिन इस चीज़ में इस फोर सर्कुलेशन इवोपरेटर में ये है लिक्विड लेवल। फिर यहाँ से क्या करना है, ये जो लिक्विड है ये पंप होकर, यानी कि देखो यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ से जो लिक्विड है ये क्या करेगा, सक करके इसको इस चेंबर में लेकर आएगा, और चेंबर में लाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ये फिर अपना यहाँ से ये इवोपरेट, यहाँ पे कूल होगा, सॉरी ये जो इवोपरेट, यहाँ पे जो अपने इवोपरेटर्स है या फिर जो हमारे वेपर्स है वो कहाँ पे जाएंगे, फिर कंडेंसर के अंदर कूल होने के लिए, जहाँ पे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है फिल्म इवोपरेटर्स। सो फिल्म इवोपरेटर्स, द मटेरियल स्प्रेड एज अ फिल्म टू द हीटेड सरफेस टू प्रोवाइड अ लार्ज इवोपरेशन सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्म इवोपरेटर। अब यहाँ पे दो टाइप्स के फिल्म इवोपरेटर्स हैं, कौन कौन से, क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवोपरेटर। सो अगर आप क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर को हम देखेंगे अगर, सो इन दिस इवोपरेटर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स अबाउट 7 meters इन लेंथ एंड 50 mm इन डायमीटर आर इनक्लोज इन द आउटर जैकेट टू विच स्टीम इज सप्लाइड। तो ये है आउटर जैकेट जिसके ऊपर 7 meters की लेंथ की 5 mm की डायमीटर वाली ट्यूब्स लगी हुई है, जिसके अंदर आपको सेम इस यहाँ पे जो मेथड थी वही यहाँ पर अप्लाई होगी,
फिर इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपको एट द टॉप द मिक्स इवेपोरेटर एंड द कंसंट्रेटेड लिक्विड आर इजेक्टेड टू द कंसिडरेबल स्पीड इन टू अ सेपरेटर द सेपरेटर और द इवेपोरेटर टू एक्सेप्ट फ्रॉम द टॉप एंड द कंसंट्रेटेड लिक्विड इन कलेक्टेड टू द बॉटम। ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका लिक्विड है वो जो हॉट लिक्विड है आपका वो आप यहाँ से अप्लाई करके यहाँ से फिर वो लिक्विड जाता है इस चेंबर के अंदर। अब इस चेंबर में क्या होता है कि जैसे ही वो लिक्विड यहाँ पे जाता है तो जो अब वो ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है ऑलरेडी वो इस चेंबर के अंदर वो हीट अप्लाई हो रही है इसको। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा यहाँ पे क्या होती है हम उसको स्टीम की हीट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर उसके इवेपोरेटर फॉर्म करता है वो अपना वहाँ पर उसके वो क्या फॉर्म करता है स्टीम वेपर्स फॉर्म करता है उसके वो। तो यहाँ से बनने के बाद क्या होता है उसके वेपर्स बनने के बाद वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है फिर जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाकर वेपर यहाँ से निकलकर कंडेंस हो जाते हैं लेकिन फिर जो लिक्विड बचता है कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड वो आकर फिर यहाँ से नीचे लिक्विड कॉन्सेंट्रेट में जमा हो जाता है। अब मुझे अगर मेरा सॉल्यूशन बचाना है तो मैं क्या करूँगा कि ये जो लिक्विड यहाँ से वेस्टेज हो रहा है तो मैं अगर यही जो इनलेट है या जो आउटलेट है सॉरी इस कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड का उसको फिर से मैं इस इनलेट में फिट कर दूंगा ताकि क्या होगा फिर रिपीट उसका जो भी इसमें बचा हुआ कॉन्सेंट्रेट होगा या फिर जो भी इसमें से और इवेपोरेट मुझे करना होगा मैं इजीली इसको फिर रिटर्न कर सकता हूँ। है ना समझ में आ रहा है इस तरह से उसी तरह से हॉरिजॉन्टल। अभी देखो ये क्या था वर्टिकल था या क्लाइंबिंग फील था अब हम इसको देखेंगे हॉरिजॉन्टल। तो किस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल तो देखो इस तरह से यहाँ पर भी सेम मेथड है लिक्विड इनलेट आप यहाँ से इनलेट करोगे इंसर्ट करोगे अंदर और करने के बाद ये इस तरह से हीट होकर यहाँ पर जाएगा और हीट होने के बाद क्या होगा उसी तरह से सेम वे में जो वेपर्स है वो फिर वहाँ से कूल हो गए और जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेट है वो यहाँ से आउट। सो इस तरह से ये दोनों का प्रिंसिपल सेम है बस जो इनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें डिफरेंस ये है कि ये क्लाइंबिंग है और ये हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से हम देखेंगे मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम कि देखो उन्होंने इस तरह से जो सबसे पहले तो अभी जो हम फास्ट एंड फॉरवर्ड जो समझ रहे हैं वो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है कि इस ये जो बेसिक है सबसे पहले तो ये हमने पैन इवेपोरेटर देखा इसमें किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करते। उसके बाद में जो आप दूसरा इवेपोरेटर देखोगे उसमें हमने क्या देखा कंडेंसर। कंडेंसर की वजह से क्या होगा ये एडवांटेज है कि कंडेंसर लगाने की वजह से क्या होगा जो इवेपोरेटर जो हमारे वेपर्स है वो जल्दी से कूल होंगे और लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो अब जो तीसरा मेथड जो हमने देखा उसमें क्या कि हमने उस लिक्विड को बारीक बारीक ट्यूब के अंदर से पास किया और उस जो ट्यूब्स है उसको हमने क्या किया कि एक स्टीम वाली लिक्विड लेयर लेवल के अंदर हमने उसको डिप किया। क्यों? क्योंकि वो जो लिक्विड है उससे फिर हमारा क्या होगा वो वहाँ पर बहुत हीट होगा और हीट होने की वजह से वो उसके बॉइलिंग स्टेट के अंदर आएगा और बॉइलिंग स्टेट में आने के बाद जब वो इस फेज में आएगा यानी कि यहाँ जहाँ पे फिर क्या होगा उसके जो वेपर्स है वो यहाँ से निकलकर बाहर निकलेंगे। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो उन्होंने बताया है ये ट्यूब्स वाला ये क्या करता है हीट करने का काम करता है हमारे लिक्विड को। तो सारे के सारी सेम इसमें लिक्विड है इसमें बस उन्होंने क्या किया जो हीट होकर आ रहा है उसको पंप करके उन्होंने इस चेंबर में ढकेल दिया जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से पानी जो है वो जो भी वहाँ पर वेपर्स रहेगी वहाँ से निकल कर कूल हो गए। उसी तरह से इसी मेथड में भी ये जो पार्ट है ये क्या करेगा हमको हीट किया हुआ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि जाके चेंबर में आने के बाद लेकिन इसमें क्या हुआ पूरा के पूरा लिक्विड आता है और लिक्विड आने के बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है वो निकल कर नीचे की तरफ आता है और जो वेपर है वो ऊपर की तरफ सेम है बस इसमें वर्टिकल फिटिंग है बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। लेकिन मल्टीपल के अंदर अब क्या है कि देखो ये जो लाइनिंग्स है उन्होंने जो बताई है ये क्या है ये ट्यूब्स है। अब उन्होंने मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेशन में मतलब क्या इन सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर स्टीम इज यूज टू हीट द लिक्विड विच प्रोवाइड द लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन द वेपर्स आर कंडेंस इन द कंडेंसर वेयर द लेटेंट हीट इज गिवन अप टू द कूलिंग टू द वाटर एंड गो टू द वेस्ट। यानी कि क्या कि जो हमने अभी तक देखा उसमें क्या देखा कि जो लिक्विड स्टीम को हमने एज अ हीट यूज़ किया था विच प्रोवाइड हीट जो क्या करती है हीट प्रोवाइड करती है वेपराइजेशन के लिए जो वेपर है वो बनने के लिए वहाँ पर जो स्टीम है वो क्या करती है हीट प्रोवाइड करती है लेकिन द वेपर्स आर कंडेंस फिर क्या होता है वेपर्स क्या होते हैं कंडेंस होते हैं लेकिन वेयर द लेटेंट हीट इज गिवन अप टू द कूलिंग वाटर एंड इट गोज टू द वेस्ट। यानी कि क्या जो फिर वो जो हीटिंग जो स्टीम है वो स्टीम क्या होती है फिर वेस्ट हो जाती है ना लेकिन
टू अवॉइड दिस वेस्टेज, अगर ये वेस्टेज हमको अवॉइड करना है तो हम इस तरह की मेथड यूज़ करेंगे, टू इवापोरेटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ पाइपिंग अरेंजमेंट सो दैट द वेपर फ्रॉम द कैलेंड्रिया ऑफ द फर्स्ट इफेक्ट यानी कि फर्स्ट चैम्बर से इज यूज टू हिट द कैलेंड्रिया ऑफ द सेकेंड इफेक्ट, यानी कि क्या कि सेम प्रोसीजर है, बस इसमें जो स्टीम है वो आपने क्या किया है, जहाँ से वो वेस्ट होती थी वो आपने उसका पाइप निकाल कर दूसरे चैम्बर में अटैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से निकल कर वो जो स्टीम वेस्ट हो रही थी वो निकल कर सेकंड चैम्बर में जाएगी और वहाँ पर भी हीट अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हम स्टीम है वो क्या होगा फिर यहाँ से निकल कर आएगा, वेपर बनेंगे, फिर वो वेपर कहाँ जाएंगे वापस इसी स्टीम में जाएंगे, फिर यहाँ से निकल कर वो सेकंड इफेक्ट में आएंगे और फिर से ये प्रोसीजर रिपीट होगा और हमारा प्रोडक्ट और जो हमारा जो है वेपर वेपराइजेशन के लिए जो हम स्टीम यूज़ करते हैं वो वहाँ पर बचेगी, तो क्या होगा उससे फिर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बचेगी, जो टाइम है वो बचेगा, जो टेम्परेचर है वो बचेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगा, जो जो मैन पावर है वो बचेगा, तो ये मेथड का ये एक एडवांटेज है। इट मीन्स दैट द सिलेंड्रिया ऑफ द सेकंड इफेक्ट इज यूज एज अ कंडेंसर ऑफ द फर्स्ट इफेक्ट सो दैट द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज यूज टू इवेपोरेट मोर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंस्टेड ऑफ गोइंग एज अ वेस्ट, यानी कि क्या कि वो वेस्ट होने की बजाय फिर से हम उसको इवेपोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये था पूरा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब ऐसी जगह जहाँ पर कम प्रेशर है और वहाँ पर आपको इवेपोरेट करना है तो कैसे करोगे, सो समटाइम्स द सॉल्यूशन कंटेनिंग हीट सेंसिटिव ड्रग गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या कि जो हीट सेंसिटिव ड्रग होते हैं वो ज़्यादा हीट मिलने की वजह से क्या होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं। इफ़ इवेपोरेशन इज डन एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हमने नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक के उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हीट किया तो हीट करने की वजह से क्या होता है उसका क्या होगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो अगर वो हीट सेंसिटिव है तो वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है हमारा ड्रग। सो द लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, लिक्विड कब बॉयल होता है कब उसके वेपर बनते हैं जब वो जो सराउंडिंग उसका टेम्परेचर होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो और उस लिक्विड का प्रेशर सेम होता है तब जाकर लिक्विड फॉर्म होते हैं। सो इफ़ द प्रेशर इज एन इवेपोरेटर इज रिड्यूस द एक्वियस लिक्विड विल बॉयल एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेबल नंबर 10 इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रेशर में क्या टेम्परेचर होना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्रेशर बार्स के अंदर है, अगर 1 bar का प्रेशर है यानी कि नॉर्मल है तो 100 जो है उसका नॉर्मल क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर वो बार हमने प्रेशर को कम किया 0.7 किया तो 90.47 किया तो 80.31 किया तो 0.31 किया तो कितना 70.12 किया तो 50.10 किया तो, यानी कि जितना हम प्रेशर कम करेंगे उतना ज़्यादा जो उतना ही क्या होगा फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी क्या होगा कम होगा, यानी कि क्या अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं साथ में तो हमको जो हीट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी कम होती जाएंगी वहाँ पर। द इवेपोरेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर शुड बी डन विद केयर बिकॉज देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की यहाँ पे ओवरहीटिंग हो सकती है इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है अगर आप रिड्यूस प्रेशर के अंदर हीट अप्लाई कर रहे हो तो। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एज एन एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस, तो क्या होगा लिक्विड की जो वेलोसिटी वहाँ पर इंक्रीज होगा, क्यों क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो क्या होता है कम कर रहे हैं हम, इसलिए द बाउंड्री लेयर थिकनेस विल इंक्रीज विच कॉजेज डिफिकल्टीज इन हीट ट्रांसफर एंड हेंस देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग, यानी कि क्या कि जो बाउंड्री लेवल है वो क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी पैदा होंगी कि वहाँ पर आपको क्या हो रिस्क हो कि वहाँ पर ओवरहीटिंग इस मेथड में हो सकती है, कौन से मेथड में इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंदर। सो एडवांटेजेस क्या क्या इसके, एडवांटेजेस ऑफ इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज द इवेपोरेशन अकर्स एट अ लोअर टेम्परेचर विच प्रिवेंट द डैमेज टू हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब क्या कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं अगर हम उसको अंडर प्रेशर के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या कि हम उसको कम हीट लगती है जिसकी वजह से जो लिक्विड जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता वहाँ पर। नेक्स्ट द इवेपोरेशन अकर्स एट अ लो टेम्परेचर बिकॉज इट गिव्स विच इज गिव अ हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट विदाउट द नीड ऑफ एक्सेसिव स्टीम प्रेशर, यानी कि क्या
द ऑपरेशन अपकॉस एट लो टेम्प, मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा कि जितना भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या हम जो हीट है हमको वो कम लगेगी। तो यहाँ पे वही बोलना है इनको कि जितना ऑपरेशन जो लो टेम्परेचर रहेगा, जितना टेम्परेचर लो रहेगा विच गिव्स अ हायर टेम्परेचर गेट विदाउट द नीड ऑफ एक्सेसिव स्टीम प्रेशर, यानी कि क्या, द ऑपरेशन अकोर्स एट अ लो टेम्परेचर, यानी कि ऐसा ऑपरेशन जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है विच गिव अ हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट विदाउट द नीड ऑफ एक्सेसिव स्टीम प्रेशर। सो दिस इज द ऑपरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ये जो हमने पॉइंट देखा उसमें क्या देखा कि जो लोअर टेम्परेचर होता है, ऐसा ऑपरेशन जो लो टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमको एक्सेसिव स्टीम प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। अभी देखो नॉर्मल प्रोसेस में क्या देखा हमने कि यहाँ पर हमको एक्सेसिव टेम्परेचर प्रेशर की, जितना हम प्रेशर कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग वाटर जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम लो जो सॉल्यूशन है वो अगर लो टेम्परेचर के ऊपर ही इवेपोरेट हो रहा है तो हमको देर इज़ नो नीड टू डिक्रीज सच काइंड और इनक्रीज सच काइंड ऑफ प्रेशर। सो हेयर और चैप्टर दैट इज हीट प्रोसेस इज एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। थैंक यू।